आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 10% वोट बढ़ाने में ताकत लगाएगी। पार्टी ने नए मतदाताओं के साथ फ्लोटिंग मतदाताओं को साधने की रणनीति बनाई है। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई पार्टी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्लस्टर प्रभारियों को चुनाव का रोडमैप सौंपा। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में विपक्षी दलों के ऐसे नेता जो अपने दल में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें भाजपा से जोड़ना है, लेकिन शामिल करने से पहले कोई आश्वासन नहीं देना है। बताया गया कि आगामी दिनों में यूपी में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के क्लस्टर वार प्रवास शुरू होंगे। इनमें वे क्लस्टर की चुनावी तैयारी की समीक्षा के साथ चुनावी बैठकें, शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम भी करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस बार बदली रणनीति, भाजपा के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने लोकसभा चुनाव में रणनीति बदली है। जाति सम्मेलन करने की जगह पार्टी युवाओं, महिलाओं और लाभार्थियों पर फोकस करेगी। पार्टी महिलाओं को साधने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संपर्क और संवाद बढ़ाएगी। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं और महिलाओं से भी लगातार संवाद कसेगी। पार्टी का पूरा जोर नए मतदाताओं पर है। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 नव मतदाता सम्मेलन कर युवाओं को भाजपा की विचारधारा से जोड़ने की योजना है। पार्टी मजदूर वर्ग से लेकर प्रबुद्ध वर्ग, खिलाड़ियों, भूतपूर्व सैनिकों सहित प्रत्येक वर्ग के बीच जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय 31 जनवरी तक खोलने और वहां सभी व्यवस्थाएं करने को कहा। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।